आज जो है हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने अपर बाजार। तो आज जो है आप लोगों को अपर बाजार घुमाने वाले हैं। और कौन सा मॉल था? न्यूक्लियस मॉल। न्यूक्लियस मॉल, तो वहाँ भी जाएंगे, इसलिए ब्लॉग पे बने रहिए। अभी फिलहाल हम लोग ऑटो लेने के लिए जा रहे हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग जो ऑटो में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं अपर बाजार के लिए। ये रांची का लालपुर चौक है। अभी हम लोग फिरायलाल चौक पे आए हैं और हम लोग चलेंगे अपर बाजार। अब यहाँ से हम लोग वंडर मार्केट पैदल ही जाएंगे। सो गाइस, फाइनली हम लोग जो है वंडर मार्केट आ चुके हैं, जो कि देख सकते हैं नाम है यहाँ पे अटल स्मृति वंडर मार्केट, जो कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे बनाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग शॉप के स्टॉल हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे हर चीज़ के वेराइटी मिलेंगे और बहुत ही अच्छे रेट में। तो मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं। तो आप लोग जो है ब्लॉग पे बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेडी बियर्स और टॉयज़ हैं, हम दोनों को बहुत पसंद है, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। अगर आप लोगों को लेना है तो यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो गर्ल्स लोग के लिए स्पेशली ये मार्केट बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी हैं। अभी जो ठंडा का सीजन चला है इसलिए यहाँ पे बहुत सारा गर्म कपड़ा मिल रहा है, तो अगर आप लोगों को लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग वंडर मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, तो यहाँ से बाहर का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। तो देख सकते हैं अभी भी जो है बहुत सारे प्लेस खाली हैं जहाँ पे दुकान लगेगा, और बहुत सारे अभी लगे हुए हैं। और यहाँ पे सृष्टि घूम रही है, देख रही है क्या क्या है क्या क्या नहीं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे शॉप लगे हुए हैं और ऊपर तक अभी बनना बाकी है, नहीं तो ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बन जाएगा। तो जब पूरा बन जाएगा तब फिर से आएंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है प्लास्टिक के फ्लावर शॉप बहुत से हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल हैं। और इधर सृष्टि बार्गेनिंग कर रही है, देख रही है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। फाइनली हम लोगों का शॉपिंग कंप्लीट हो गया और हम लोग आ गए हैं न्यूक्लियस मॉल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है बाहर से। अभी अंदर जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं। तो चलिए हमारे साथ न्यूक्लियस मॉल। बाहर देख सकते हैं आई लव रांची बहुत प्यारा सा लिखा हुआ है, मैं बैक से आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ मॉल में बहुत ही अच्छा जो है सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। अंदर आते ही आपका टेम्परेचर चेक होगा, फिर सैनिटाइज़र होगा, और फिर एक्सेलेटर में जो है एक एक स्टेप के बाद किसी को चढ़ने दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन हो रहा है। और देख सकते हैं मॉल बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और बहुत ही सुंदर सजाया गया है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं यहाँ पर बैठ के देखती हूँ थोड़ा सा, आप लोग भी देखिए, देखिए कितना सुंदर बनाया है। Thank you.
अब हम लोग जा रहे हैं, कुछ खाएंगे फिर जाएंगे अपने रूम। हम लोगों को बहुत जोर से भूख लग गया था, फाइनली हम लोग को रोल मिल चुका है और पूरा तीखा चटनी डाल के खा ली। हमको तीखा पसंद, अच्छा हमको नहीं पसंद है कि हम मीठा चटनी के साथ खा रहे हैं। खाएंगे आप रूम जाएंगे, बहुत ठंडा लग रहा है। चाय के बिना हम लोगों का दिन अधूरा रहता है, इसलिए लास्ट में कहीं ना कहीं चाय पी के ही जाते हैं और चाय जो है बहुत ही टेस्टी है। ठंडे के दिन में जो है उबला हुआ अंडा हर जगह मिलता है और ठंडे में उबला हुआ अंडा खाना भी चाहिए, इसलिए हम लोग जो है पैक कर ले रहे हैं, रूम में जाके खाएंगे क्योंकि अभी हम लोगों का पेट भरा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा तरह से मसाला वसाला डाल के ले जाते हैं और रूम में खाएँगे बैठ के आराम से। तो ये हम लोगों का अंडा रेडी हो चुका है और ये रहा जहाँ पे हम लोग चाय पिए जो कि बहुत ही टेस्टी था। तो हम लोग खा पी लिए, घूम लिए बहुत सारा, अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम वापस। सो गाइस फाइनली हम लोगों का शॉपिंग जो है कंप्लीट हो गया, बहुत सारा कुछ लिए हैं और बहुत अच्छा लगा रांची घूम के। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ सृष्टि कैसे रोटी बनाती है, इसलिए ब्लॉग को अभी एंड नहीं करेंगे, हम दिखाने वाले हैं कि वो कैसे रोटी बनाती है, फिर ब्लॉग को एंड करेंगे, आप लोगों को भी मजा आएगा देख के। फिलहाल चेंज कर लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। देखिए हम इतना सारा शॉपिंग करके आए हैं, ये फ्रॉक है अंशु के लिए, बहुत ही सुंदर है और ये देखिए मुझे बहुत पसंद आया, छोटा सा था। और ये पजामा है ठंडे में पहनने के लिए, बहुत कंफर्टेबल, बहुत ही सॉफ्ट है इसीलिए ले लिए। और ये इयररिंग्स लिए हैं और एक पर्स, ये स्वेटर है खुद के लिए और ये एक गाउन टाइप का फ्रॉक है नॉर्मल। तो बस इतना ही सारा शॉपिंग किए। फ्रेंड्स देखिए सृष्टि कैसे रोटी बनाती है। देखिए थाली है रोटी है। वो भी परफेक्ट गोद बेल लेती है लेकिन इसके साथ इसका खूब नाम करेगी। और हम इधर से एक इधर रोटी इधर बेल रही है, ज्यादा नहीं हम लोग रोटी बनाएंगे कि हम लोग का पेट भरा हुआ है। ये लड़की को दिखाएं क्या पहन के बना ली, सैंडल बनी है तो सैंडल। अब बहुत ही ज्यादा ठंडा है, आज हम लोग बहुत ज्यादा सही में ठंडा है, रोटी पलट लेते हैं नहीं तो रोटी जल जाएगा। तो फिलहाल अब रोटी हम लोग बना लेते हैं। तुम बोलो कुछ, क्या बोलते बोलो कुछ भी बोलो, रोटी इसमें बनाने का तरीका मेरे से सीखे। किसी किसी पास चकला नहीं है तो किसी को जुगाड़ लगाना है तो प्लेट कोट लगा के। तो अपना सर्कल भी दिखा दो, तुम्हारा इतना सारा फ्रेंड सब पूछता है, तुम्हारे फ्रेंड बहुत क्यूट है। देख लीजिए मेरा रोटी जल जाएगा नहीं जला। हम अब हम लोग को फोटो दिखा के आते हैं, ठीक सृष्टि का रूम दिखाते हैं, तुम रोटी पर लगना जा। देखिए सृष्टि का रूम है, बेड है जहाँ पे हम लोग दिन भर पड़े रहते हैं और इधर ये अपना सामान रखती है। और ये रही सृष्टि और थम, इसको बर्थडे पे गिफ्ट किए थे। और ये इसकी दी की बेटी है, इसको ये गिफ्ट की है, इसको कार्ड बना के। टाइम टेबल देख रहे हैं, इधर फॉलो कुछ नहीं करती है लड़की, पूरा टाइम टेबल लगा के रखी है। इधर पूरा स्माइली, अच्छा ये स्माइली है इसका। और ये वाला ये हमको भी लेके मेरे घर पे भी है एक, आप लोग देखे होंगे तो इसी ने मुझे गिफ्ट किया था वो। तो जाते हैं रोटी बना लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग का रोटी बन चुका है और ये रहा चिकन जो कि हम लोग दिन में बनाए थे।
अभी वही हम लोग खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। क्या गुड नाइट? अच्छा कुछ बोल रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।